हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर सेट 3 ऑफ क्लास 11 जैक बोर्ड का लेके आए हैं और ये इसका लास्ट सेट है। आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए और इस ऑप्शंस को अच्छे से फॉलो कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना भी होता है, स्ट्रोमा भी होता है और स्ट्रोमा लैमेला भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द थायलाकॉइड मेम्ब्रेन आर एसोसिएटेड विथ। थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होता है? ये लाइट रिएक्शन का साइट है, करेक्ट है। ट्रैपिंग लाइट को ट्रैप भी करेगा जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और इसमें साइट ऑफ एनर्जी फिक्सेशन यानी ATP भी फिक्स होता है। तो ये तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 आर एसोसिएटेड विथ। 1 एसोसिएटेड है P700 और 2 एसोसिएटेड है P680। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। फ्लूइड मोजाइक मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय। कौन दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल? 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, तो इसलिए ऑप्शन ए ऑफ 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आइए क्वेश्चन 5 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही कौन है? प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। कलक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, उसका मेम्ब्रेन ही तो डेवलप नहीं होता इसलिए इल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं। यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, सही है। प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये भी गलत है, राइबोसोम छोड़ के कुछ नहीं है। और प्रोकैरियोट्स हैव 80S टाइप ऑफ राइबोसोम, ये भी गलत है, 70S होता है। तो बी करेक्ट ऑप्शन है कि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 है, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज क्या है? ये मॉलिबेडनम आयरन प्रोटीन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू। सबसे ज्यादा सेंसिटिव किससे होता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, इसलिए उसके ऊपर लेग हेमोग्लोबिन का लेयर होता है, है ना, लूट नोड्यूल्स में। नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन एमोनिया, 4 एमोनिया के लिए 32 ATP चाहिए, तो एक एमोनिया के लिए कितना चाहिए? 32/4 दैट इज 8, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेग हेमोग्लोबिन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, क्वेश्चन नंबर 9, इतना अभी जस्ट बोले आंसर, इट इज फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नेड्यूल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट एसोसिएटेड विथ नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोफिकेशन के साथ कौन एसोसिएटेड नहीं है? नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस और स्यूडोमोनस। हेलो, तो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट एसोसिएटेड विद नाइट्रिफिकेशन। आंसर होगा स्यूडोमोनस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू एमोनिया इज कॉल्ड, जस्ट अभी सेट 2 में और 1 में पढ़े थे, दैट इज एमोनिफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 12 में आइए। डिफिशियंसी सिम्पटम ऑफ एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल एपियर। जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल्स है जैसे कि मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसका अगर डिफिशियंसी होगा तो प्लांट के किस पार्ट में सबसे पहले दिखेगा? आंसर है ओल्डर लीव्स, ओके। पोलन जर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? जिंक, बोरॉन, सिल्वर, आयरन, 4 ऑप्शन है, आंसर होगा बोरॉन। फॉर्मेशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस इन। साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वहीं होगा जहाँ साइनेप्सिस होगा, और साइनेप्सिस कहाँ होता है? प्रोफेज 1 के सेकेंड स्टेज जाइगोटीन में होता है, दैट इज ऑप्शन बी ऑफ 14। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 15 का क्वेश्चन नंबर ए। अब आइए 16 में। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? जोसेफ प्रिस्टले। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जोसेफ प्रिस्टले इज डिस्कवरिंग ऑक्सीजन। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम तो ब्रायोफाइट टेडोफाइट दोनों को कहा जाता है, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहा गया? ब्रायोफाइट्स को, तो ऑप्शन चुनेंगे सी। क्रांच एनाटोमी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ऑप्शन सी, C4 साइकिल, अभी जस्ट पहले भी डिस्कस किए हैं। विच वन इज अ एग लेइंग मैमल? मैमल्स आर बेसिकली वीविपेरस, बट एग लेइंग मैमल दैट इज ओविपेरस इज प्लैटिपस।
ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। 20 में व्हाट इज नॉट अ ट्रू फिश, स्टार फिश, ये ट्रू फिश नहीं है। विच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, ज्वाइंट अपेंडेजेस, तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ रेडुला, प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंट अपेंडेजेस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फीचर ऑफ, अभी जस्ट पढ़े थे टू में, आंसर होगा एंजियोस्पर्म। तो क्वेश्चन 22 ऑप्शन होगा सी। माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो ऑप्शन होगा सी। द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, ऑप्शन हो जाएगा 24 का सी। 25 डोमिनेंट पिगमेंट इन क्लोरोफाइसी इज बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी कौन नहीं है, लेमिनेरिया जो कि ब्राउन एल्गी है। इन रोडोफाइसी फूड इज स्टोर्ड इन एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च, तो क्वेश्चन नंबर 27 का होगा ऑप्शन डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, द कमर्शियल प्रोडक्ट अगर अगर वॉज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, सिंपल है रेड एल्गी, तो आंसर यहां पे ए एंड बी बोथ होगा, तो ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 28 में। टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया 70S, तो 29 का होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल, तीनों में से कौन गलत है, एल्यूरोप्लास्ट, क्योंकि एल्यूरोप्लास्ट हमेशा स्टोर करता है प्रोटीन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30। इन सेल साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ पे होता है, इंटरफेज में, तीन फेज है, G1, S और G2। S को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज, इसलिए S फेज इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, मोस्ट इजी है मियोसिस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, आंसर होगा ऑप्शन सी, पैकेटीन। अब नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम, प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट को हम लोग क्या बोलते हैं सेट टू में, एपो एंजाइम, तो नॉन प्रोटीन को क्या बोलेंगे, को एंजाइम या को फैक्टर बोलेंगे, तो को फैक्टर इज द करेक्ट आंसर 34। और लास्ट 80S राइबोसोम का 50, 80S राइबोसोम का क्या होगा 60-40 या 40-60 जो बोल दो, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है 40S एंड 60S। 40S स्मॉलर सब यूनिट है और 60S लार्जर सब यूनिट है। सो अगेन डियर स्टूडेंट्स, गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑन 7th, 8th and 9th of May. That's all for today. Wishing you a good luck again. Thank you.